हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं कल जितना मैंने पढ़ाया था उसके बाद का। कल आपको मैंने दिखाया था एसआई का प्रॉपरली सवाल और प्लस कुछ एलिगेशन के थे। ऐसे तो देखिए एलिगेशन से डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चैप्टर कवर होता है, तो आज जो है ये सीआई एसआई टाइटल नहीं रहेगा, ये तो बाई डिफॉल्ट लग गया है। आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत ही अद्भुत शॉर्टकट प्लस प्योर एलिगेशन के कंसेप्ट कि कैसे करके हम लोग जल्दी बनाते हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। जिस तरह से आपको कल भी बहुत अच्छा मजा आया था, उसी तरह से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज भी आपको एक अच्छा सा क्लास मिले। तो टाइटल फिर से वही मैंने रखा है, नया कंसेप्ट बिना पेन उठाई उत्तर दें। ध्यान दीजिएगा, संभव है कल जैसे संभव हुआ था आज भी संभव हो जाएगा। आइए देखते हैं। एक सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसको करने के काफी सारे नियम हैं, है ना। आप एक्स मान के कर सकते हो, एलिगेशन प्रोसेस से कर सकते हो, और जैसा मैंने बताया कि हम लोग सीखने वाले हैं पहले लिख करके और फिर बिना पेन उठाए हम लोग इसको बोल के पढ़ेंगे या करेंगे। तो सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 8 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल का एक हिस्सा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल पर एक हिस्सा कंप्लीट किया, तो वो पैर पर मतलब पैदल कितनी दूरी यात्रा करता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसके लिए दो नियम हो सकते हैं। पहले तो एक तो ऐसा है, पूरा मैं नहीं बनाने वाला हूं, मान लीजिए पैदल में वो एक्स चला तो साइकिल से कितना चलेगा, 50 माइनस x, क्योंकि टोटल मेरे पास 50 है ना। एक तरीका तो ऐसा हो सकता है। अब मुझे बताइए पैदल के लिए इसका स्पीड कितना है, तो 4 किलोमीटर पर आवर, और इसके लिए स्पीड कितना है, तो 10 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे सिंपल सी बात बताइए, इसके लिए अगर आपको पूछा जाए समय कितना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। इसके लिए कितना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। और आप मुझे बताइए दोनों टाइम को अगर मैंने इंक्लूड कर दिया तो यही तो 8 घंटा है। तो एक प्रोसेस तो मेरे भाई ऐसा हो जाएगा, फिर आप एलसीएम वगैरह लेंगे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस एलिगेशन नियम भी हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने सोचा कि चलो एलिगेशन लगा लेते हैं, तो यहां पर मैंने लिखा 4 किलोमीटर पर घंटा, जैसे मैंने कल बताया था एलिगेशन से भी कुछ सवाल मैंने बताए थे। अब आपको पता है कि टोटल मेरे को यहां पर भी लिखना पड़ेगा स्पीड या वेलोसिटी, तो टोटल कैसे है 8 घंटा में 50 किलोमीटर, तो मुझे बताइए यहां से चाल कितना निकल जाएगा, तो दूरी बटा समय, यानी जब आप काटिएगा तो 25/4 आ जाएगा। तो यानी बीच में कितना हो जाएगा 25/4, और फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। और फिर आगे ये दो हो गया, और भी कुछ हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने स्पीड लेके मैथ बनाया हुआ, डिस्टेंस लेके भी कर सकते हो, तो 4-5 मेथड है। लेकिन आज हम लोग का टास्क है कि आप एकदम फ्रेश कंसेप्ट सीखें जो आपको सही में पहले से नहीं आता होगा। पहले मैं आपको जो मैं बताने वाला हूं उसको लिख के बताने वाला हूं, उसके बाद देखिएगा बिना पेन लगाए आंसर करते हैं। कल आपके क्लास आप लोगों को याद है जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के एलिगेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या किया था, जिस परसेंट को निकालना पड़ता था उसको रख देते थे, बाकी परसेंट को निकालते थे। जैसे मान लीजिए 10% वाला निकालना है और 1% 5% है, तो सेम काम यहां पे करेंगे। मुझे पहले बताइए क्या निकालना है, पैदल कितनी दूरी तय किया, तो पैदल को आप मारिए गोली। आप पहले सोचिए कि पूरा वो साइकिल से गया है, मुझे बताइए साइकिल से कितना गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एकदम बच्चे की तरह समझाते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर गया, तो मुझे बताइए टोटल कितना घंटा है, 8 घंटा में, तो 8 घंटा में कितना चला जाएगा, 80 किलोमीटर। कैसे सर, 10 × 8 करके होगा। फिर से सुनिएगा, शुरू में थोड़ा टाइम ले रहे हैं, 1 घंटे में 10 किलोमीटर गया है तो 8 घंटे में कितना जाएगा, 80 किलोमीटर। एकदम कल की तरह कंसेप्ट बता रहे हैं। आप मुझे बताइए क्वेश्चन पे कितना किलोमीटर दिया है, 50 किलोमीटर। मुझे बताइए हमारा आया कितना, 80 किलोमीटर। तो कितने का गैप आ गया मेरे भाई, 30 किलोमीटर का। और ये किसके कारण आया सर, इसी के कारण तो आया होगा। देखिए
पैदल कितना चला था? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल से कितना चला? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी के कारण ये गैप आया है, यानी 10 में से 4 गया कितना? तो 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के कारण इसका ये गैप आया है। तो आपसे अगर एक चीज मैं पूछता हूं कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा में 30 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, तो मुझे बताइए समय कितना हो जाएगा। शुरू शुरू में लिखना पड़ रहा है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो आप मुझे बताओ कितना आ गया? 5 घंटा। आंसर आ चुका है। पैदल कितनी दूरी तय की? जितना आया उसको पैदल वाले से गुना कर दो। पैदल में कितना था? 5। 5 में से 4 गुना करेंगे कितना? उत्तर 20। अब आप बोलेंगे सर कि गुना क्यों किया गया, क्या आंसर मिलाने के लिए? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको दूरी निकालना है ना। दूरी का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? चाल गुना समय। चाल तो 4 है, समय 5 आया 20। अभी कुछ देर के बाद हौसला रखिए, बिना पेन से करके दिखाएंगे। एक बार जैसे हाईलाइट मैच का आप देखते हैं ना, इस हाईलाइट को फिर से दिखाते हैं। देखिए, लिख के बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है, जिस पर निकालना है उसको छोड़ दीजिए। मुझे पैदल निकालना है तो साइकिल पे टोटल डिस्टेंस निकालिए। साइकिल का स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में 10 किलोमीटर। तो टोटल कितना घंटा है? 8। तो 10 गुना 8 कितना हो गया? 80। ये सब एकदम मन में हो जाएगा। क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ था? 50, यानी 50 से 80 कितना ज्यादा है? तो कितना हो गया? 30। आपको मन में ऐसे सोचना है, बट्टा ये डिफरेंस किसके लिए आया है? चाल का अंतर लीजिए, 10 में से 4 गया 6, ये डिवाइड करके क्या आ गया? 5 घंटा। इसको क्या करना है, किधर भी मल्टीप्लाई करना है, किधर करेंगे सर? जहां पे आपको निकालना है, यानी पैदल का दूरी निकालना है, पैदल यहां 4 था, 4 गुना 5 20। ये ऐसे मैथ करना है और जबरदस्त मजा आएगा भाई। बस कुछ देर की बात है ना। क्यों गुना करेंगे, क्यों ऐसा होता है, सब चीज मैंने बता दिया। आइए एक प्रैक्टिस किया जाए और अगला सवाल को दिखाते हैं। ये जो सवाल है, आप कोशिश करें कि पहले आप वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करिए, ज्यादा बेटर होगा, मजा आएगा उसमें, है ना। चलिए, आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आपको पहले बिना पेन उठाए मैं बोल के दिखाता हूं। पहले मैंने पढ़ा, एकदम सेम लैंग्वेज मैंने रहने दिया है। पैदल निकालना है तो पैदल निकालना, तो पहले उसको साइकिल से भेज देते हैं। साइकिल की चाल कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में 16 किलोमीटर। टोटल कितना है? 7। अगर आपका गुना अच्छा है तो 16 गुना 7 112। तो मुझे बताइए 112 किलोमीटर आ गया। क्वेश्चन पे 80 दिया है तो कितना ज्यादा चल गया? तो 80 और 30 110 और 2, यानी 32 चला। 32 किसके कारण चला होगा? ये जो चाल का डिफरेंस है, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर कितना आएगा? 8, यानी 32/8 कितना आ गया? 4 घंटा। पैदल वाले में 4 गुना करिए, पैदल में 8 है, 8 गुना 4 32। इसको कहते हैं मैथमेटिक्स, है ना। मजा आया होगा सुन के। कुछ बच्चे को थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, थोड़ा उनका गुना होना थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन आप गुना तो यार कभी भी सीख सकते हो, ये मैथ का मजा लेना ही बनता है। फिर से मैं बताता हूं, पैदल निकालना था तो मैंने क्या सोचा, 16 साइकिल से गया, 16 में 7 गुना किया मैंने तो कितना आ गया? 112। जो बच्चा बहुत कमजोर है आप इसको लिख के भी बना सकते हो। 80 किलोमीटर था तो मैंने पता किया, मान लीजिए मैं बहुत कमजोर हूं तो ऐसे पता करेंगे, 32। ये 32 के नीचे कितना लगाएंगे? इन दोनों का डिफरेंस। तो 16 में से 8 गया 8, कितना आ गया यार? 4 घंटा। 4 में किसको गुना करेंगे? 8 को, 8 गुना 4 32, है ना, एकदम आसान मजेदार। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि हमारे पास अगर 35 लोग इनरोल हैं, चूंकि 35 का बैच हमारा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अब अगला सवाल छोड़ेगा। इस वाले सवाल में थोड़ा सा बस गुना है करना है, इसमें बच्चा फंस सकता है ना। आप लोग ट्राई करो वीडियो पॉज करके, बार बार अब मेरे को बोलना नहीं चाहिए, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। चलिए, आपने ट्राई किया होगा, पहले मैं बोल के बताता हूं। मुझे क्या करना है दोस्तों, ट्रेन पे चलना है। तो ट्रेन अगर चलना है तो अगले वाले को टोटल निकालेंगे। देखो 45 किलोमीटर की दर से बस से गया,
और 55 किलोमीटर की दर से ट्रेन से गया है ना। आइए दिखाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि दूरी ट्रेन से तय करना, पहले उसको बस से भेज देते हैं। तो 55 गुना 6 नहीं आता ना, तो घबराइए नहीं, मेरे जैसे सोचिए। 50 गुना 6 कितना होता है? 300। और 5 गुना 6 कितना होता है? 30, यानी 330। देख रहे हो गुना कितना मजेदार है, यानी 330 वो चल लिया है ना। अब मुझे एक बात बताइए, एक्स्ट्रा कितना हो गया? तो इधर का देखो 15, 85 था 300 हो गया, उधर का 30, तो 30 और 15 कितना? 45। 30 और 15 कितना मेरे भाई? 45। अब ये 45 किसके कारण आया होगा? तो 45 इसी के कारण तो आया होगा। तो यानी कितना हो गया? 45 और बट्टा में कितना हम लोग कर देंगे, इसका डिफरेंस 10। इसको रहने दीजिए, काटने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कितना गुना कर देंगे सर? तो इसमें गुना कर देंगे ट्रेन वाला मल्टीप्लाई ऑफ 5। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 5 गुना 2 10, और ये 5 से 11 फिर जो आएगा वो आंसर। इसमें शायद हो सकता है मैंने क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी किया होगा, मैं चेक करके आपको तुरंत बता देता हूँ क्या है। देखिए, हो सकता है ट्रेन वेन लिखने में गलत हो गया होगा, मान के चलिए ये ट्रेन बोला है ना, देखो ये बस, हो सकता है ये बस वाला पूछा। तो अगर मेरे को बस वाला पूछेगा तो पूरा को ट्रेन से भिजवा देते हैं। तो 55 गुना 6 करना है ना, 55 गुना 6, अच्छा 45 था ना, माफ कीजिएगा मैंने गुना थोड़ा गलत कर दिया था, इसलिए लग रहा है शायद ये। देखो 55 तो यार ट्रेन वाला है ना, माफी चाहते हैं। तो बस से भेजो तो 45 में 6 गुना करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे गलती था। तो 40 गुना 6 कितना हो गया? 240। और 6 गुना 5 कितना हो गया बताइए? 6 गुना 5 कितना हो गया? 30। 240 और 30 कितना? 270। यहां कितना चल गया है, यानी एक्स्ट्रा चला गया है 15। समझ रहे हो? ठीक है, देखो मैं लिख के दिखाता हूं आपके लिए, कोई बच्चा गुना में थोड़ा सा वीक है ना। ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन से गया था, तो मेरे को बस से पहले पार करवाना है। तो 45 गुना 6, देखिए आराम से करिए, 6 गुना 5 30, 6 गुना 4 24, और 3 27। इसका अर्थ ये हो गया कि क्वेश्चन पे कितना देके रखा है? 285। एक्स्ट्रा कितना हो गया मेरे भाई? 15 है ना। और किसके कारण हो गया है? इन दोनों के डिफरेंस के कारण। तो 55 माइनस 45 कितना हो गया? 10। ये क्या निकल जाता है? टाइम। अब इसमें आप गुना कर दो जो निकालना है, ट्रेन पे कहता था तो 55 बटा 10 गुना, माफ कीजिएगा 15 बटा 10 गुना 55। तो इस वाले में जब सॉल्व करिएगा तो पॉइंट में आंसर आएगा आपके लिए। मैं ये भी चेक कर लेता हूं, 55 को लेके बनाते हैं, देखिए हो सकता है कि लैंग्वेज लिखने में गलती हुआ होगा। 6 गुना 55 अगर हम लोग कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 गुना 55 अगर करते हैं तो 6 गुना 5 30, और ये चलो इसको तो चेक मैंने कर लिया था, शायद आंसर गलत होगा, मे भी हो सकता है यहाँ 280 रहा होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। हाँ, ये एक सवाल और आ गया, इसको भी आप लोग खुद से ट्राई करो, मेरे हिसाब से तो आसान है ना। चलिए बोल के बताते हैं, बस पर करना है, पेन मत लगाइए, बस पर करना है। तो पहले देखिए बस में क्या बोलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बस, दूरी का एक हिस्सा, और 45 किलोमीटर दर से ट्रेन। यानी सबसे पहला काम क्या करना है, पहले आपको ट्रेन से भेजना है। तो 45 गुना 7 आपको कर लेना है, ध्यान रखिएगा 45 गुना 7 कितना हो जाएगा? 7 गुना 4 28, 280, और 7 गुना 5 कितना हो गया? 35। लोगों के लिए हम कर देते हैं, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। 45 गुना 7, 7 गुना 5 35, 3 बच गया, 7 गुना 4 28, और 3 31। एक्स्ट्रा कितना चला? घटा दीजिए, जो बच्चा बहुत कमजोर है ऐसे बनाइए, मैं 0 11 में से 5 गया। अच्छी सर, ये डिफरेंस किसके कारण आया है? इन्हीं दोनों को कारण आया है ना सर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप घटाते हैं तो 15 आएगा। क्या करना पड़ता है? वो 15 को डिवाइड, यानी जब डिवाइड मैंने किया तो क्या आ गया? 4 घंटा। बस से निकालना, बस में 4 चिपकाइए, यानी बस में करना है 4 गुना 30, 120। कहानी खत्म। और ये जो ऑप्शंस मैंने बनाए हैं ध्यान रखिएगा, ये मेरे द्वारा नहीं लिया गया है, आप नेट में ये सब सवाल सर्च करें आपको मिल जाएगा, है ना, नेट में सवाल सर्च करिएगा, ऐसे मैंने नहीं बनाया हुआ। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या कुछ और सवाल है अपने पास। यस, देखो ये सबसे बड़ा सवाल है, अगर आपको विश्वास ना हो यूट्यूब में खोजिए, सर्च मारिए। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो एकदम चमत्कारिक मेथड है, बहुत भयंकर क्वेश्चन है ये,
और बिना डिटेल किए हुए हम लोग इसको कर नहीं सकते। आइए पहले इस सवाल का मेथड क्या हो सकता है। कोई व्यक्ति 450 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए आंशिक रूप से और आंशिक रूप से, अच्छा दो दो बार हो गया, रेलगाड़ी से, ट्रेन से और आंशिक रूप से कार से यात्रा करता है। 240 किलोमीटर बोलता अगर ट्रेन से गया और शेष चला गया कार से, मतलब 450 में 240 चला गया ट्रेन से और बाकी कार से गया, तो 8 घंटा 20 मिनट लगता है। फिर एक कंडीशन और है, यदि वह 180 किलोमीटर ट्रेन से गया और शेष कार से गया तो 20 मिनट अधिक लगता है कार की चाल निकालने। पहले ये बहुत सारे टीचर्स आपको कैसे सिखाएंगे या नेट में सॉल्यूशन कैसे मिलेगा बताते हैं। मान के चलते हैं कि 450 किलोमीटर जाने, आप एक्स और वाई मान के भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सोचिए कि दो कंडीशन है, एक सोचिए ट्रेन से गया और एक सोचिए कार से गया। पहला कंडीशन देखिए, ट्रेन से कितना गया मेरे भाई, 240, तो मुझे बताइए कार से कितना गया होगा। 450 में 240 घटाते हैं। ये मेरा मेथड नहीं है, ये बस आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब ट्रेन से इसकी चाल कितनी है पता नहीं, तो एक्स मानिए, और कार से कितनी चाल है दोस्त, तो वाई मानिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग निकालेंगे समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो एक समीकरण ऐसा बन जाएगा। और इसका टाइम देखिए 8 घंटा 40 मिनट। फिर आपको टीचर्स कहेंगे कि आप इसको ऐसे कर लो, क्यों, क्योंकि टाइम को आवर में चेंज करना। अगला कंडीशन क्या है कि 180 किलोमीटर से गया, तो यहां पे थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर से सोचिए कि ये 180 किलोमीटर है, तो एक समीकरण और बनेगा, 180 बटा x प्लस शेष कार से गया तो 450 में 180 घटाइए, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2, तो यानी हमारे पास आ गया 270 बटा वाई। 20 मिनट अधिक लगा, यानी पिछले बार अगर 8 घंटा 40 मिनट लगा था तो 20 मिनट जोड़ दीजिए, तो 40 और 20 60 मिनट, यानी 1 घंटा 8 में से 1 9। अब यहां से भयंकर चीज चालू होता है, इसके बाद क्या करेंगे, मुर्गा बन जाएंगे नहीं, फिर आप समीकरण में इसमें कुछ गुना करिए, उसमें कुछ गुना करिए, और हमारे क्षेत्र के बच्चे तो बेचारे टेंशन में आ जाते हैं जैसे समीकरण देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का मेथड यही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि क्या यही सवाल बिना पेन लगाए एक चमत्कारिक मेथड द्वारा क्या 5 सेकेंड में बन जाता है। ध्यान रखिए 5 सेकेंड, प्रैक्टिस की जरूरत है। आइए मेरे साथ बोलते चलिएगा कैसे होगा। मुझे आप बताइए किसकी चाल निकालनी है, कार की चाल, सुनते रहिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिए तो ट्रेन से यहां कितना जाता है, 240, आपको लिख लिख के सब बताएंगे। अगले कंडीशन में ट्रेन से कितना यहां जाता है, 180, पहले वो 240 गया था, इसके बाद वो 180 गया, तो इसका मतलब वो कम दूरी ट्रेवल किया है अगली बार, कितना कम किया है। जो बच्चा बहुत कमजोर है उसके लिए सब चीज लिख रहे हैं, 240 माइनस 180, तो मुझे बताइए कितना दूरी कम चला है, 60 कम चला है। ध्यान से सुनिएगा, 60 कम चला है, इसका मतलब 60 किलोमीटर वो कम डिस्टेंस चला है। अब ये 60 किलोमीटर अगर कम चला है, आप ही सोचिए कि अगर आप कम चले हैं तो टाइम ज्यादा ही लगा होगा, तभी तो आप कम चल पाए हैं, तो मुझे बताइए क्या बोला है, कितना टाइम ज्यादा लग गया है, 20 मिनट अधिक, 20 मिनट अधिक। देखिए इसके बाद एक लाइन और लिखेंगे और अगले लाइन में आंसर है, 60 किलोमीटर कम चला है, 20 किलोमीटर मिनट अधिक लगा है। मान के चलिए मैंने अपने आप को बोला कि चलो 240 किलोमीटर ही चलवा देते हैं, मतलब पूरा का पूरा ट्रेन से ही चलवा देते हैं, तो 60 में कितना गुना करेंगे तो 240 आएगा, मुझे बताइए, 4 से गुना करेंगे, तो आपको मैथमेटिक्स कहता है कि यहां गुना 4 से करते हो मेरे भाई, तो यहां भी गुना 4 से करना है। तो सोचिए कि 240 किलोमीटर वो चल गया। अब मुझे बताइए यहां पे कितना आ गया, 20 गुना 4 80 मिनट अधिक आ गया। यहां तक बच्चे को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे रुकिए, मुझे बताइए पहले कितना मिनट लग रहा था, माफ कीजिएगा समय, 8 घंटा 40 मिनट, तो यहां लिखते हैं, पहले सब चीज लिख देते हैं, ये मुंह से बन जाएगा, 8 घंटा 40 मिनट लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो 240 चल गया तो कितना मिनट ज्यादा हो गया, 80, यानी पिछले वाले से 80 ज्यादा, तो 80 आप जोड़ दीजिए।
कैसे जोड़ेंगे सर? एकदम आराम से जोड़ेंगे। 80 और 40 कितना होता है? 120 मिनट। ये बहुत बच्चे जो कमजोर है उनके लिए कर रहे हैं। 120 मिनट मतलब 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 घंटा, 1 घंटा यानी 2 घंटा, यानी 8 में से 2 घंटा जोड़ दिया मैंने तो 10 घंटा आंसर आ चुका है। क्या निकालना है? कार की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 450 है, समय 10, और जादू चल गया और उत्तर आ गया। देख रहे हो वो समीकरण कितना लंबा था, कितना पेचीदा था, और उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग जाता, मतलब बहुत दिक्कत हो जाता। नहीं तो फिर हम लोग सॉल्व भी कर ले, कम से कम हमारे एरिया के बच्चे तो टेंशन में आ जाते। तो यहां पर आपको दिख पा रहा है कि क्या मैंने किया। इसी तरह से मैंने 3 सवाल लिया है, अगले वाले में भी हम एक बार आपको सिखाएंगे और उसका अगला वाला आप लोग को ट्राई करवाएंगे। देखो फिर से मैं बताता हूं, अब हम सब मिटा देते हैं, मेरी बस कहानी को सुनिए। मैंने सोचा कि पहले 240 किलोमीटर गया था, अब वो 180 किलोमीटर गया, तो 240 पहले गया था, अब 180 तो कम अगर गया है ना, तो टाइम में बहुत ज्यादा लग गया होगा, है कि नहीं? तो 240 में से 180 मैंने घटाया तो मेरा को आया 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर के लिए वो 20 मिनट ज्यादा लेता है, 60 किलोमीटर के लिए 20 मिनट ज्यादा लेता है। मैंने बोला कि चलो ट्रेन से ही चलवा देते हैं जैसे पिछले सवाल में कर रहे थे। तो 60 में कितना गुना करेंगे? तो 4 गुना करेंगे तभी तो 240 आएगा। तो 20 में कितना गुना किया मैंने? 4, यानी 80 मिनट ज्यादा, ज्यादा मतलब पिछले वाले से। तो 8 घंटा 40 में 80 मिनट जोड़ दिए, तो 80 और 40 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो 8 2 10, 450/10 आंसर। तो आपको मैंने लिख के भी बता दिया और बिना पेन से भी बता दिया, बस थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगला सवाल को भी देखिएगा कैसे होगा, एक मैं बताता हूं उसके बाद फिर आप लोग करना। देखिए वैसे सवाल है, अब वो आइडिया से थोड़ा सा ये आइडिया थोड़ा सा अंतर करके हम बताते हैं और फिर आपसे बन जाएगा। देखो कैसे होगा, देखिए 60 किलोमीटर ट्रेन से गया फर्स्ट केस में, अगली बारी में कितना गया? 100 किलोमीटर, है ना? अब यहां पे सोचिए कि कितना किलोमीटर ज्यादा चला गया है? 40 किलोमीटर। और टाइम कितना उसको लग गया है मेरे भाई? ज्यादा 10 मिनट। अब यहां के बाद से थोड़ा सा ट्विस्ट मार रहे हैं, है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट मार रहे हैं, ज्यादा नहीं। अब हम आपको कह रहे हैं कि 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर सोचिए वो चल गया, तो 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर अगर चल गया तो कितना बचा चलने को? तो आप कहेंगे सर एकदम आसान तो है, 240। अब आपका टारगेट 240 होना चाहिए। अब सोचना है कि 40 किलोमीटर को किस तरह से 240 बनाएंगे। तो ये बोलेगा बच्चा सर क्या बच्चा वाला काम देते हैं, 6 से गुना करेंगे। फिर बोलेगा सर टीचर तो पिछले बार ये किया था, हमारा बच्चा इसमें तो बहुत चालाक है, कॉपी तो कर ही लेता है। तो 240 किलोमीटर और इधर कितना आ गया? 60 मिनट। यहां तक क्लियर? 60 मिनट का मतलब 1 घंटा आपका काम बन चुका है। पिछले बार कितना घंटा लगा था दोस्त? 4 घंटा। अब 1 घंटा ज्यादा लगेगा तो यानी 5 घंटा। चाल निकालना है, ऊपर में चिपकाइए ना टोटल डिस्टेंस, 300/5 आंसर 60। अभी आप समीकरण बनाते रह जाते या टीचर और कोई आपको भारी भरकम ट्रिक पकड़ा देते, एक्स वाई जेड वाला इधर ये बैठा उधर वे बैठा और बैठा के जिंदगी बर्बाद कर दो। तो यहां पर आपको एक मार्जिनल डिफरेंस समझ में आया, पिछले बार मैंने उसको 60 ही बना दिया था, समझ में आ रहा? ऐसा इसलिए मैंने किया कि यहां से ये ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है और 300 में 60 मैंने घटा के क्या फायदा उठाया कि इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से 240 आ जाए। बस इतने का ही कमाल है ना, और कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मेरे को तो बता के बड़ा मजा आ रहा। अगला एक सवाल आपको मैंने टास्क के तौर पे दिया है, इसको आप वीडियो पॉज करिए और खुद से बिना पेन से बनाइए, पेन लगाइएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना, बिना पेन से बनाइए और तब आपको अच्छा लगेगा। चलिए आपने ट्राई किया होगा, आपको पहले बोल के सुनाते हैं, है ना।
पहले देखिए, पहले बार में 120 चला है, अगले बार में 200, तो आपको पता है ना ज्यादा चलने से क्या करना है। 120 से 200 अगर चल गया है तो आपका 80 ज्यादा चल गया है, 80 के लिए 20 मिनट वो ज्यादा ले रहा है। यहां तक तो मामला क्लियर है। अब मेरे दिमाग में गया कि यार 600 में से 120 अगर वो चल गया है तो बचा कितना, 480। 80 को सर 480 कैसे बनाएंगे, 6 से गुना करके, 8 गुना 6 48, तो 20 में भी 6 से गुना कर दीजिए, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटा, यानी पहले 8 घंटा था, अभी 2 घंटा यानी 10 घंटा। 600 बटा 10 आंसर कर दीजिए बस। एक बार फिर से बोल के दिखाते हैं, फिर लिख के भी दिखाएंगे, नहीं तो कुछ कमजोर बच्चे टेंशन में आ जाएंगे सर क्या किया आपने। देखिए, पहले 120 किलोमीटर था, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर हम पेन वेन भी थोड़ा चला देते हैं। फिर इसके बाद कितना आ गया, 200। 120 से वापस हमारे को आ गया 200, तो कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया, 80 किलोमीटर। ठीक है, अब मुझे बताइए 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। अब आपको सोचना है कि 600 टोटल था, 120 किलोमीटर तो चल लिया है, तो बचा कितना, 480। अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो उस हिसाब से भी बनाएंगे। अब 80 में कितना गुना करेंगे तो 480 आएगा, तो 6 गुना करेंगे। राइट साइड 20 मिनट था, 20 गुना 6 120 यानी 2 घंटा। 8 2 10 600 बटा 10 60। बाकी लोगों के लिए लिख के दिखाते हैं। 120 से 200 चला, ये तो आप समझ ही रहे हो, 80 किलोमीटर। कितना मिनट ज्यादा लग गया, 20 मिनट। लिख के दिखाते हैं, घबराइए मत। 600 में से 120 घटा रहे, क्यों घटा रहे पता तो चले, कितना उसको और जाना है, तो 480 आएगा। अब आपको 480 बनाना है तो 6 से गुना और 6 से गुना, यानी ये 480 देखो आ जा रहा है, यहां कितना 120 मिनट, 120 मिनट में 2 घंटा। पहले बारी चला था 8 घंटा और अब चल गया है 2 घंटा यानी 10 घंटा। 4 निकालना है, टोटल 600 नीचे 10 यानी आंसर। बहुत कमाल का, बहुत स्पेशल मेथड है, और स्पेशल मेथड को ज़्यादा शेयर ना करें, अपने आप तक सीमित रखें, क्योंकि आप लोगों ने इसके लिए पे किया है ना, और आपके लिए ये मेथड है, सबके लिए नहीं। आगे चलते हैं। तो आज आपने पहले क्या सीखा, आपने पहले वेरिएशन सीखा टाइम एंड डिस्टेंस के। मॉडरेट क्वेश्चन वो आसान नहीं था जो आपने पहले सीखा, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक है, यानी जैसे मैंने आपको टाइटल बताया था ना, बेसिक से एडवांस। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये एडवांस क्वेश्चन है, बेसिक नहीं है, ये एडवांस है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि चूंकि आपको तो मैंने अभी 5 सेकंड में बता दिया, अगर आपको नहीं पता होता ना तो बहुत भारी भरकम समस्या लेना पड़ता आपको। आगे चलते हैं, आज का टारगेट नंबर 3 पे आते हैं। और ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोग को हो सकता है वीडियो अपलोड करने पे बोलेगा, अरे सर आप तो 30 मिनट ही पढ़ाए, 35 मिनट ही पढ़ाए। ध्यान रखिएगा, मेरे बारे में मेरा ये कहना है कि आप 25 मिनट 30 मिनट से मेरा आकलन ना करें। आपको मैंने कितना सवाल कराया और कितने सेकंड में सिखाया वो बड़ा बात है, नहीं तो बच्चा सोचेगा सर आप 1 घंटा 1.25 घंटा मेरे को पहले बता के रखे थे, आप 30 ही मिनट पढ़ा रहे हो। अब मुझे बताइए, अगर ये मेथड आपको नहीं बताते, एक्स वाई वाला मेथड बताते, तो ये 3 सवाल सॉल्व करने में तो 15-20 मिनट लग जाता है, और फिर आपको हम 1.25 घंटा पढ़ा देते तो अच्छा लगता क्या, नहीं अच्छा लगता है ना। तो प्लीज मेरा आकलन समय से ना करें, मेरा आकलन क्वालिटी से करें। आगे चलते हैं। अब देखिए, ऐसे सवालों को मैंने क्लास में 3-4 मेथड पहले भी बताया हुआ है ना, ये हमारा आज का लास्ट टारगेट है। आज सीखने वाले हैं इस सवाल का बिना पेन उठाए, और सही में बिना पेन उठाए, मजाक नहीं बोल रहे हैं, बिना पेन उठाए आज आप बना के रहेंगे। आपको मैंने इस सवाल का एक्स मेथड सिखाया हुआ है, रेशियो मेथड सिखाया हुआ, आज एक अद्भुत मेथड और सिखाते हैं, आइए कैसे होगा बताते हैं। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए कि 50% चीनी हो जाए। देखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, उसको वैसे ही सिखा रहे हैं, मान के चलिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। आपको बस सवाल में पढ़ना है कि मिलाने को क्या कहता है, चीनी। आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 लीटर पानी था और 5 लीटर दूध था। आपको मैंने बोला कि दूध 2 लीटर मिला दिया, तो मुझे बताइए, अब आपको मैंने पूछा कि आपके पास कितना दूध और कितना पानी हो गया, तो आप बहुत आराम से बोल सकते सर पानी तो 5 लीटर ही रहा, दूध लेकिन 5 2 7 लीटर हो गया। यानी इससे एक बात स्पष्ट होता है
पानी मिलाने पर पानी की मात्रा बढ़ेगी और दूध मिलाने पर दूध की मात्रा बढ़ेगी। यानी जो मिलाया गया वो बढ़ेगा, जो नहीं मिलाया गया वो पहले और बाद जितना है वो बराबर रहेगा, यानी जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहा जाता है। आइए अब देखो यहां पे क्या मिलाने बोला है, चीनी मिलाने बोला है। तो ध्यान रखिएगा चीनी की मात्रा बढ़ेगी यानी पानी कांस्टेंट रहेगा। तो टारगेट ये करना है कि जो मिलाने बोला जा रहा है उसको आप भूल जाइए, जिसको नहीं मिलाने जा रहा है उसी से सवाल बनेगा। तो मुझे बताइए चीनी मिलाने बोल रहा है तो इसका मतलब क्या कांस्टेंट होगा, क्या बराबर होगा? तो पानी बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको इन दोनों क्वेश्चन में पहले पानी के बारे में सोचना है। शुरू शुरू में लिख के बता रहे हैं फिर डायरेक्ट करेंगे। तो 40% अगर मेरे भाई चीनी है तो पानी कितना 60% नहीं होगा, 100 में से 40। उसी तरह से अगर 50% मुझे बताइए चीनी है तो पानी कितना हो जाएगा, 50, 100 में से 50 करेंगे। आगे देखिए ये अगली बार बिना पेन से बनाएंगे। मुझे बताइए पहले 60 था पानी, 50 हो गया, कितना कम गया, 10 कम। अब आपको जितना कमेगा ऊपर लिख देना है बट्टा में, हमेशा ये फर्स्ट वाला नंबर। तो मुझे बताइए ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 1/6 आ गया है। अब ये 1/ सोचिए, 6 जो है ना ये कम रहा है ना, 1/6 कम जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, सुंदर से ऊपर में एक का एक ही लिखना है, नीचे में दोस्त क्या लिखना है, 6 में से 1 माइनस कर दिया, हमेशा माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि फिर वो कम जा रहा है, कम नहीं, देखो यहाँ कम रहा है ना, इसलिए नीचे हमेशा कम करके लिखेंगे। तो 6 में से 1 गया कितना, 5। आ गया समझ में, उत्तर आने वाला, इसमें कम करके कितना गुना करना है, ये नंबर, आंसर आ गया। इसी को बिना पेन से हम लोग कुछ देर में धड़ल्ले के साथ बना रहे होंगे, मतलब जबरदस्त एंजॉय करके। फिर से सुनिएगा, अब हम बिना पेन से बताते हैं, सुनिएगा जैसे कहानी सुनते हैं ना वैसे आपको बोल के बताते हैं। पहले क्या पढ़ना है, क्या मिलाने बोला जा रहा है, जो मिलाने बोला जा रहा है उसको हटाइए, जो कांस्टेंट होगा उस पर सवाल बनेगा। जैसे मैंने सवाल पढ़ा चीनी मिलाने बोला जा रहा था, यानी मेरा दिमाग इमीडिएट चला गया पानी पे। फर्स्ट वाले में 40 चीनी था तो पानी 60, नेक्स्ट में 50 चीनी था तो पानी 50, कितना कम गया, 10। हमेशा याद रखिएगा बट्टा में कितना करना, ऊपर वाला, 10/60, 1/6। अगला कैसे निकलेगा, हमेशा माइनस करके, ऊपर में एक का एक ही लिखेंगे, 6 और 1 को घटाएंगे, 5, यानी 300 का 1/5, आंसर 60। ऐसे करना है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक ट्रायल और लेते हैं ना भाई, है ना, कोई जरूरी थोड़ी कि एक में सर समझ में आपको आ ही जाना चाहिए। एक सवाल और लेते हैं, पहले आप मेरे जैसा सोचो, थोड़ा समय लीजिए, सोचिए और कैसे होगा मुझे बताइए। आइए आप लोगों ने सोच लिया होगा, पढ़ते हैं, अभी मैं पेन नहीं लगा रहा हूं। एक क्लास में 80% अम्ल है, और ज्यादा मत पढ़िए, 60 लीटर टोटल हो गया। देखिए 60% फिर अम्ल है, कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो मुझे आप बताइए इसमें कांस्टेंट क्या होगा, पानी मिलाने बोला जा रहा है तो यानी कांस्टेंट मेरे भाई क्या हो गया, 80 और 60 जैसे है वो तो वैसे, क्योंकि अम्ली होगा ना। मैंने क्या कहा था आपसे, जो मिलाने बोला जाए उस पर टेंशन नहीं लेना है, जो बाकी चीज है उसको देख के मैथ बनाना है। इसका मतलब सवाल बहुत ही सुंदर है, पानी मिलाने जब बोला जा रहा अम्ल पे कांस्टेंट करिए, पहले 80 अम्ल था कुछ नहीं करना है, माइनस नहीं करना, फिर 60 अम्ल था, 80 और 60 में मुझे बताइए घटा के कितना आएगा, 20। अब आपको क्या मैंने सिखाया था, 20/80 हमेशा ऊपर वाला लेना है, तो काट के कितना आएगा, 1/4, फिर घटाइए, 1/4 का मतलब फिर 1/3, 60 का 1/3, आंसर 20। इसको बोलते हैं बिना पेन से मैथ बनाना। अब फिर से आपको करके दिखाते हैं। सवाल में मैंने पढ़ा क्या निकालना है, सॉरी क्या मिलाना है, पानी। तो आप मुझे बताइए किसका मिक्सचर था, अम्ल और पानी का, कहाँ लिखा हुआ सर क्वेश्चन पे, तो लिखा हुआ ये देखिए। तो पानी मिलाने बोल रहा, तो पानी से मैथ नहीं बनेगा, अम्ल था ना 80, फिर कितना हो गया 60, तो मुझे बताइए कितना कम गया, 20, बट्टा कितना, 80। ये कमजोर से कमजोर बच्चा भी ऐसा कर सकता है, तो काटने से कितना आ जाएगा, 1/4। फिर मैंने सिखाया था क्या, 1 लिख दो, इसको घटा दो और मल्टीप्लाई कर दो 60, आ तो गया आंसर बिना एक्स मान के आंसर। मेरे पास जितने बच्चे ट्यूशन बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अद्भुत मेथड है।
उम्मीद करते हैं जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आगे चलते हैं। ये सवाल तो मुझे लग रहा है कि आप हाथों हाथ उठा लीजिएगा, मतलब इतना खुशी हो के कि क्या कहा जाए। आइए पहले बिना बोल के ही करते हैं, मतलब माफ कीजिए बिना लिख के करते हैं। क्या मिलाने कहता है सर? पानी मिलाने के लिए। क्या चीज का मिक्सचर है? दूध और पानी, यानी हमारा कंसंट्रेशन किस में होना चाहिए? दूध पे। पानी मिलाने बोल रहा, पहले में देखिए तो 10% पानी है तो दूध कितना? तो 90। हमारा दिमाग कहा 90। अगले में कितना है? 20% पानी है, दूध कितना? 80। तो 90 और 80 को घटाएंगे कितना आएगा? 10। 10 और ऊपर में कितना था? 90, यानी 1/9। 1/9 को फिर घटाएंगे तो 1/8। 40 का 1/8 लगा आंसर। देखो किधर भी लिखना पड़ रहा। और जो बच्चा ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहा, ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम होगा ऐसा एक नंबर आपका आ रहा है, ये मेरा गारंटी है, किसी तरह का वारंटी नहीं। एक सवाल एक नंबर आपको कंफर्म मिलना ही मिलना है। जब भी आप जिस दिन एग्जाम दीजिएगा मुझे याद कर रहे होंगे कि सर ने ये बोला था। इसको लिख के दिखाते हैं अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो। पानी मिलाने बोल रहा है तो हमारा लेवल किस में जाना चाहिए? दूध पे। पानी यहां पे है 10, दूध कितना हो जाएगा? 90। यहां पे 20 क्या है? पानी। दूध कितना हो जाएगा? 80। तो यानी यहां से यहां ये कितना घट गया? 10 घट गया। बट्टा में कितना करेंगे? 90। तो यानी 1/9, तो यानी घटा के 1/8 गुना 40 लगा दो आंसर। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर बार बार एक सवाल आप ले रहे हो, बार बार ये वन ही आता है, वन ही आएगा क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि निशान सर ऐसा है ही नहीं, हर सवालों को लेते हैं। आगे देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा सब आंसर मिलीलीटर में और यहां 1 लीटर कहता है, तो आप इसको सोच लेना कि ये 1000 ml है। इसको आप लोग ट्राई करिए, देखिए मैं तो बोल के बता रहा हूं भाई। 30% पानी, 15% पानी। सबसे बढ़िया बात है कि अल्कोहल मिलाने बोल रहा है, इसका मतलब अल्कोहल और पानी का मिश्रण था, यानी अगर अल्कोहल मिलाने बोल रहा तो हमारा दिमाग पानी पे कंसंट्रेट हो गया। क्या बोलते हो? यही तो है ना मजा। अल्कोहल मिलाने बोल रहा है तो पानी लेके मैथ बनेगा, जो मिलाने बोलता है उसको लेके तो मैथ नहीं बनता। और कमाल की बात है दोनों ही पानी है, तो मुझे बताइए पहले 30 पानी था फिर 15 हो गया, कितना कम गया? 15। 15/ ऊपर वाला यानी 30, 15/30 यानी 1/2। जब घटाएंगे तो 1/1 आएगा, 1000 का 1/1, 1000। समझ में आया? मजा आ रहा है, एंजॉय करेंगे, है ना? अभी तो हम मेरे पास कोई आसपास नहीं है, ना आप मुझे लाइव देख रहे हो, जब वीडियो मिलेगा तब मजा आएगा। फिर से सुनिए क्या है। अल्कोहल मिलाने बोल रहा था तो पानी लेके मैथ बनाना था, 30 और 15, कितना कम गया? 15। बट्टा कितना? 30। 1/2, जब इसको घटाएंगे 1/1 गुना 1000। क्या कहा जाए भाई, समझ में तो आ ही गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ सवाल और प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए इस वाले में कोई बच्चा जो कमजोर है ना, हो सकता है वो दिमाग से ना नहीं सोच पाए, क्योंकि उनका थोड़ा टेबल वगैरह अभी उस एलिजिबिलिटी के साथ नहीं हो सकता है, तो घबराइए नहीं, आपके लिए लिखेंगे। पहले बिना पेन से कोशिश करते हैं, पहले पढ़ते हैं क्या मिलाना है, देखते हैं। 15% अल्कोहल है, ठीक है भाई, और ज्यादा मत पढ़िए, काम की चीज पढ़िए। लास्ट में 32% अल्कोहल है और मिलाने क्या बोलता है? अल्कोहल। यानी इमीडिएट दिमाग काम किया कि पानी से मैथ बनेगा, जनरली दारू में पानी तो मिलता है ना, तो अल्कोहल से तो मैथ बन नहीं रहा है, पानी से ही बनेगा। अब मुझे बताइए 15 अगर अल्कोहल है, जो बच्चा पहले कैलकुलेशन में अच्छा वो मेरे साथ बोलते चलिएगा, 15 अगर अल्कोहल है तो पानी कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 85। यस, इधर में 32 अगर अल्कोहल है तो पानी कितना होगा सर? अगर दिमाग आपका अच्छा है तो इमीडिएट आएगा 68, घटाने से। आप बाकी लोगों के लिए हम करेंगे, तो उधर का 85 इधर का 68, तो आपको पूछते हैं कितना कम गया सर? 17 कम गया। 17/85, 1/5 घटाएंगे 1/4, नंबर इतना जबरदस्त आया 400 का 1/4, लगाइए आंसर और बढ़ जाइए आगे। बाकी लोगों के लिए करके दिखाता है यार, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा सर पैसा भी ले लिया समझाते भी नहीं है। यहाँ पे हो गया 85, क्यों हो जाएगा मेरे भाई? अल्कोहल मिलाने बोल रहा था तो पानी निकालना, तो 100 में से घटा देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 में से घटा दीजिएगा तो 68। अब आप सोचो कि पहले 85 था अब 68 था, तो कितना कम गया? तो घटा लीजिएगा 17 कम गया, इसको माइनस करने से 17 आता है, बट्टा में ऊपर वाला, तो 1/5। अब तो कहानी जानते हो, घटाएंगे 1/4 गुना 400, आ गया होगा समझ में, है ना? अब यही सवाल
मेरे ही पुराने मेथड से आप करते तो इससे ज्यादा टाइम लगता। जो सवाल हम लोगों ने बिना देख के कर लिया, मतलब बिना पेन से कर लिया, वही सवालों में भी करते और 10-15 मिनट लगाते। आप भी बोलते अरे आज सर ने ना 45 मिनट पढ़ाया, 1 घंटा पढ़ाया, तो फिर से कहते हैं कि टाइम से मत आकलन करें, आपने कितने वेराइटीज पढ़े, कितने देर में पढ़े, वो बड़ा बात। आगे चलते हैं। इस वाले सवाल में अब ऊपर में एक नहीं आएगा, जिसका शिकायत आप मेरे से बाद में करिएगा भी नहीं। तो चीनी के विलयन के 75 ग्राम में 30% चीनी है, 70% चीनी बनाने के लिए विलयन में चीनी की मात्रा। आइए पहले बिना पेन से करते हैं। पहले क्या मिलाना है? चीनी, यानी हम लोग का सवाल कैसे बनेगा? पानी से। मुझे बताइए अगर शुरू में 30 चीनी है तो पानी कितना होगा? 70। अगले वाले में 70 चीनी है तो पानी कितना होगा? 30। यानी 70 से 30 हो गया, यानी 40 कम गया, 40/70 यानी 4/7। जब 4/7 को घटाएंगे तो 4/3 आएगा, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। और 4/3 में गुना करेंगे 75, 3 से 75 25 बार में कटेगा, ऊपर 4 था उत्तर। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं 35 लोगों में, इसमें से मुझे अंदाजा है कि कम से कम 22-25 बच्चे तो ऐसे होंगे जो मेरा कहा हुआ समझ गए होंगे। अब आपको बना के दिखाते हैं। यहां 30 चीनी है तो पानी कितना होगा? 70। 70 चीनी है तो पानी कितना होगा? 30। जो बहुत कमजोर है लिख लिया कीजिएगा, कितना कम गया? 40 कम गया, बट्टा में शुरू वाला। अब ये 4 का 4 लिखना है ना गोटा, 7 में से 4 घटाइए क्योंकि नीचे तो कमाना है, इंटू गुना कर दिए 75। अगर आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा तो लिख लीजिएगा 25 गुना 4 100। कोई जबरदस्ती नहीं करना, धीरे धीरे करके आपका इंप्रूवमेंट होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक सवाल और आ गया है, आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं ट्राई करता हूं। बोरिक अम्ल के 80% विलयन में, यानी अम्ल जो है 80% है, 50% 100 ml को 50% कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो सबसे कमाल की बात है पानी मिलाना होगा, ये भी अम्ल है ये भी अम्ल है, तो बना दो ना भाई, क्या इसमें टेंशन है ना। 80 से 50 कम गया 30 कमा, 30/80 3/8 मेरे साथ बोलते चलिए, 3/8 को घटाएंगे 3/5, 8 में से 3 गया 5, 100 का 3/5 5 से कटा 20 बार में, 20 गुना 3 60। करके दिखाते हैं। 80 और 50 तो रहेगा ही क्योंकि पानी मिलाना, तो हम उसे कितना कम गया यार 30 बटा 80 घटाएंगे 3/5। देख रहे हो पेन कैसे दौड़ता है, दौड़ दौड़ के आंसर ले आए। देखते हैं क्या कुछ और सवाल बचा है, नहीं। तो आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं, फिर से मैं कहता हूं, ये तीसरी बार बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा बार बार बोल रहे हैं, प्लीज टाइम मत देखिए, आप देखिए कि पैसा आपने लगाया आपको नया चीज मिल रहा है कि नहीं। आप जो ये 15 सवाल मेरे से सीखे ना, अगर इसी को इस मेथड से अगर हम नहीं बताते बिना पेन वाला मेथड, तो विश्वास मानिए 1 घंटा 15 1 घंटा 20 मिनट हम लगाते या 1.5 घंटा लगाते। तो आप डिसाइड करिएगा कि सर आप बड़ा करके 1.5 घंटा में बना दे रहे हो या छोटा करके 45 मिनट में बना दे रहे हो, ये आपका काम है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आपको लग रहा होगा कि आपका पैसा डूबा नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे ब्रह्मास्त्र ग्रुप में जरूर कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।